अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बटर स्कॉच केक की रेसिपी। के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, इसमें मेरे पास 200 ग्राम्स ग्रैनुलेटेड शुगर है, या अगर आप कप्स में मेजरमेंट लें तो एक कप, एक मेजरिंग कप ये हमारे पास चीनी है। 4 टेबलस्पून छिलके समेत बादाम ले लिए थे, उनको मोटा मोटा कूट लिया है। ये मेरे पास एक स्टील का ट्रे है, आप कोई भी स्टील का बर्तन यूज़ कर सकती हैं। इसको मैंने ऑलरेडी ग्रीस कर लिया, और ये काम आपने पहले ही करना है क्योंकि हमने फिर वेट नहीं करना होता। यहाँ मैंने एक सॉस पैन ले लिया है और इसके नीचे चूल्हा जला दिया है। अब मैं इसमें फैला के ये 200 ग्राम्स या एक मेजरिंग कप शुगर डाल दूंगी, और इसकी ट्रिक ये है कि अब आपने डाल दिया, बस आपने इसको छोड़ दिया, इसको आपने अभी तक हिलाना नहीं। जब तक ये साइड से डिज़ोल्व नहीं होना शुरू होगी, इसको आपने हिलाना नहीं है। अगर आपने हिला दिया तो फिर चीनी का दाना बन जाएगा और उसको मेल्ट करना बहुत ट्रबलसम होगा। अभी मैं इसको स्टर करूंगी क्योंकि इसको हमने ब्राउन नहीं होने देना बिल्कुल। अभी आप ये देखिए, ऑलमोस्ट दाना मेल्ट हो गया, कोई एक आध नज़र आ रहा है, लेकिन हम उसको नहीं करेंगे। मैं यहाँ पे फ्लेम ऑफ़ कर रही हूँ, मैंने फ्लेम ऑफ़ कर दिया है। बाकी जो दाना रह गया है वो उसकी गर्माहट से ही मेल्ट हो जाएगा। इस स्टेज पे मैं इसमें आलमंड्स डाल रही हूँ, इसको मिक्स करूँगी, और फौरन जैसे ही मिक्स हो जाएगा तो मैंने जो ट्रे रेडी किया हुआ है मैं उसके ऊपर इसको फैला दूँगी। ये जी, मैंने इसमें अपना क्रंच फैला दिया। अभी हम इसको थोड़ा सा टाइम देंगे कि ये सेट हो जाए, और जैसे ये सेट हो जाएगी तो फिर हम इसको पलट देंगे। इसको हमने ज़्यादा टाइम नहीं देना, ये सेट हो गई है। जैसे ये सेट हो जाए, गर्म ही है अभी तक, तो फिर आपने इसको कॉर्नर से उतार के और फिर इसकी साइड चेंज कर देनी है, इसको आपने पलट देना है। अच्छा, ये काम आपने बहुत एहतियात से करना है क्योंकि ये जो ट्रे है ये बहुत गर्म है, तो आप ओवन ग्लव्स पहन के करें। अभी हमने इसको मुकम्मल ठंडे होने, ये देखिए जो हमारा क्रंच है ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। इसको नीम गर्म भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। इसके बाद हम इसके जो है पीसेस कर लेंगे ऐसे, और फिर हम इसको बेलन से क्रश करेंगे। यहाँ पे हमारा क्रंच रेडी हो गया, हम स्पंज रेडी कर लेते हैं। स्पंज के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, उसमें हमारे पास आधा कप दूध है, 1 टीस्पून विनेगर, 1 टीस्पून बटर स्कॉच एसेंस, 2 ड्रॉप्स मेरे पास येलो फूड कलर के हैं, 4 टेबलस्पून मिल्क पाउडर है, 1 कप और 1/4 कप मेरे पास प्लेन फ्लावर है, ऑयल है मेरे पास जो कि मेरे पास आधा कप है, और 1/4 कप है, सॉरी 1/4 कप ऑयल है, 1/2 कप ग्राइंडेड शुगर है, पिसी हुई चीनी है, और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर है, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा है, और मेरे पास 1/2 कप दूध है। इसके अलावा मेरे पास 3 से 4 टेबलस्पून दूध एक्स्ट्रा है जो शायद हमें आखिर में ज़रूरत पड़े। ओवन को मैंने 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्री हीट कर दिया है। ये मेरे पास 6x6 इंचेस का बेकिंग मोल्ड है, इसको मैंने बटर पेपर लगा के ग्रीस कर दिया। आप कोई भी शेप यूज़ कर सकती हैं। सबसे पहले हमें बटर मिल्क बनाना है, उसके लिए मैं 1/2 कप दूध ले लूँगी, और 1/2 कप दूध में मैं 1 टीस्पून विनेगर या सफ़ेद सिरका मिला दूँगी, और अब हम इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, और 10 मिनट के बाद हमें बटर मिल्क मिल जाएगा। 10 मिनट के बाद ये बटर मिल्क बन गया, ये देखें अगर आपको नज़र आए तो इसमें लम्स बन गए हैं, ये बटर मिल्क बन गया है। अभी हम इसको थोड़ा सा हैंड विश कर लेंगे। अपने इस बटर मिल्क में हम 1/2 कप पाउडर्ड शुगर जो कि मैंने घर पर ही पीस ली थी वो डाल देंगे, साथ ही हम इसमें 1/4 कप ऑयल डाल देंगे, और साथ ही हम इसमें 1 टीस्पून बटर स्कॉच एसेंस डाल देंगे। अगर आप इसमें वनीला एसेंस डाल देंगी तो फिर वो आपका वनीला स्पंज बन जाएगा। इसको विस्क कर लिया, अभी मैं इसमें 2 ड्रॉप्स येलो कलर के डाल रही हूँ। अभी हम इसको मिक्स कर लेंगे। मैंने इसमें येलो कलर ऐड कर दिया है, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो ना ऐड करें। ये मैंने एक छलनी इसके ऊपर रख ली है, और अब मैं इसमें 1 कप और 1/4 कप मैदा इसमें डालूँगी। ड्राई इंग्रेडिएंट्स हम डालने जा रहे हैं, और हम इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे, साथ हम इसमें 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डालेंगे, साथ ही इसमें 4 टेबलस्पून मिल्क पाउडर डालेंगे। तो ये सारी हमारी ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसमें चली गई, इसको हम सिफ्ट कर लेंगे। के अंदर मैंने सिफ्ट कर ली है सारी ड्राई इंग्रेडिएंट्स, अब हम इसको मिक्स करेंगे। आपकी मर्ज़ी है, अगर आप प्रोफेशनल हैं मतलब बिगनर्स नहीं हैं तो फिर तो आप विस्क से कर सकती हैं, वरना आप या तो डायरेक्ट साफ़ सुथरे हाथों से इसको मिक्स कर लें।
या फिर अपने हाथों पे ग्लव्स चढ़ा के और फिर इसको आप मिक्स कर लें, क्योंकि अगर हम इसमें विस्क यूज़ करेंगे और ओवर मिक्सिंग हो जाएगी तो फिर हमारा स्पंज बैठ सकता है। जी ये हमने मिक्स कर लिया, अब ये मुझे थोड़ा सा थिक लग रहा है, थिक लग रहा है तो फिर मैं इसमें 3 से 4 टेबलस्पून दूध डालूंगी और फिर मैं इसको मिक्स कर लूँ। ये रेडी हो गया, ये हमारा बैटर बिल्कुल परफेक्ट है। अभी ये जो मेरे पास मोल्ड है मैं इसमें इसको डाल दूंगी, बैटर इसमें पोर कर दिया। अब इसको 2 से 3 दफ़ा हम टैप कर लेंगे ताकि जो इसमें एयर बबल्स हैं वो रिमूव हो जाए। अभी मैं इसको प्री हीटेड ओवन में रखने जा रही हूँ और 35 मिनट्स के बाद मैं इसको चेक करूँगी। ये हमारा स्पंज बेक हो गया है, 30 मिनट्स में ये बिल्कुल परफेक्टली डन हो गया है। अभी हम इसको 1 से 2 घंटे देंगे ताकि ये कूल डाउन हो जाए। स्पंज जो है मैंने इसको निकाल लिया है बेकिंग मोल्ड में से और इसको ठंडा कर लिया है अच्छी तरह से, कूल डाउन हो गया है। अभी हम इसकी लेयर्स कट करेंगे। यहाँ पे केक का जो ऊपर वाला पार्ट है, जो अनइवन लेयर थी, उसको मैंने रिमूव कर दिया। आप देख लें स्पंज कितना अच्छा बना है। बाकी को केक को मैंने 2 इक्वल लेयर्स में डिवाइड कर दिया है। यहाँ पे मैंने 1 कप हीप्ड भर के जो नॉन डेरी क्रीम होती है, मैंने यहाँ पे विपे विप यूज़ की है, इसको अच्छे से मैंने विप कर दिया था और ये वॉल्यूम में डबल हो गई है। उसके बाद मैंने इसको 30 मिनट्स तक फ्रिज में सेट होने के लिए रख दिया था। अब हम आइसिंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास टर्न टेबल है, उसके ऊपर मैंने केक बोर्ड रख दिया है। केक बोर्ड के ऊपर मैं थोड़ी सी क्रीम अप्लाई करूँगी, जो विप हमने बीट की हुई है वो थोड़ी सी इस पर लगाऊँगी। लगा दी है, अभी इसके ऊपर हम अपनी फर्स्ट लेयर रखेंगे केक की, स्पंज की। अभी हमने इसके ऊपर क्रीम अप्लाई करनी है, अच्छी क्वांटिटी में क्रीम डालेंगे और इसको अप्लाई करेंगे। क्रीम हमने अप्लाई कर दी है, मुझसे एक क्लिप मिस हो गया है। ये जो हमारा स्पंज था, जो लेयर थी, इसको हमने दूध से सोक करना था, तो अभी मैं इसके ऊपर दूसरी लेयर रखूंगी और इसको भी मैं दूध से सोक करूंगी। और अगर दूध ना हो, दूध नहीं है, तो फिर आप शुगर सिरप से भी इसको सोक कर सकती। यहाँ पे पहले मैं इसको मॉइस्ट करूंगी दूध से, शुगर सिरप से कर लें, दूध से कर लें, कंडेंस मिल्क में पानी मिला के उससे कर लें, इससे ये आपका केक काफ़ी देर तक मॉइस्ट रहता है। मॉइस्ट कर लिया है, अभी हम इसके ऊपर फिर से क्रीम लगाएंगे अच्छी क्वांटिटी में और उसको सारा हम स्प्रेड करेंगे। बाकी केक को साइड से भी अच्छी तरह से क्रीम से कवर कर देंगे, अच्छी अच्छी क्वांटिटी लेके हम इसको सारा कवर कर देंगे। एक सारा कवर हो गया है क्रीम से, इसके एजेस पे बिल्कुल इस तरह से क्रीम लगाई है कि जो हमारी हार्ट शेप है वो बिल्कुल ख़राब ना हो। अब जो इसकी साइड्स हैं, इन पे मैं प्रेलाइन डालूंगी। आपकी मर्ज़ी है, आप ऊपर इसको सारा प्रेलाइन से कवर कर दें, आप साइड्स पे डाल दें, आप जैसे आपको अच्छी लगती है ना डेकोरेशन, बस आपने वैसे ही करनी है। मैंने साइड्स पे प्रेलाइन लगा दी है। इसके अलावा जब आपने स्पंज की लेयर्स डाली थी और ऊपर क्रीम लगाई थी, तो उस वक्त भी आप इसमें प्रेलाइन डाल सकती हैं। अब मैं ये फादर्स डे के लिए केक बना रही हूँ, तो फिर मैं इस पे पहले लिखूँगी कुछ। ये कुकिंग चॉकलेट जो है उसको मैंने मेल्ट कर लिया है, उससे मैं इस पे लिखूँगी। यहाँ इसके जो फ्लावर्स मैंने पाइप किए हैं उन पे भी थोड़ा प्रेलाइन स्प्रिंकल कर दिया है, क्योंकि मैंने इसको अंदर भी नहीं प्रेलाइन डाला और ऊपर भी मैंने इसको कवर नहीं किया, इसलिए थोड़ा सा मैंने यहाँ पे डाल दिया है। देखिए व्यूअर्स, ये जो हमारा फादर्स डे स्पेशल बटर स्कॉच केक है, इसका ये फाइनल लुक है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।